तो हम आज चौलाई को भी काटते हैं और मंडवा को भी काटेंगे। तो दोस्तों गढ़वाली में बोलते हैं उन्हें मरसा और कोदू। तो मैं एक लाइन उनका गाना बनाऊंगा, तो लीजिए। जैसे कि मरसा पा की मरसाड़ा, फिर मरसा पा की कोदू पा की कोदाड़ा, सिरी कोदू पा की कोदू पा की कोदाड़ा, सिरी कोदू पा की। देख लो खेत भी खाली, धीरे धीरे खाली होने वाले हैं। हमने अपना जो मंडवा वो भी सब निकाल दिया है, अब बाद में घास काटेंगे। और तो फिर उसके बाद हमने देखो यहाँ पर मिर्ची भी है, थोड़ी मिर्ची थी और दो तीन तोड़ान तो हो गए मिर्ची के। ये देख लो ये इन्हें करेले तो बहुत सारे लगे हैं इस बार गांव में, बहुत सारा है करेला। देखो ये हमारे बीज के लिए रखे गए हैं। है सुनते अगर आज हमारा चौक सूख जाएगा तो मेरे पास आज बहुत सारा काम है, पर अभी तो चौक तो अभी गीला है, मौसम ने आज सुबह गड़बड़ कर दिया है। हमारा चौक सूख जाएगा उसके बाद हम ये डालेंगे पौधा यहाँ पर। ये रखेगा हम मंडवा, काफ़ी गर्म हो गया है ये ना, जो मंडवा है ना काफ़ी, जैसे कि हमारे यहाँ पर बंद कर रखा है कोई, काफ़ी इसके अंदर काफ़ी गर्मी होती है। ये काफ़ी जब मैंने यूँ निकाला, ये देखो अंदर दिखाएंगे आपके पास गर्मी है, देखो ऐसी हिट मार रहा है, इतनी सी गर्मी है। बहुत दोस्तों ये है हमारे तिल, तो देखो तो ये तिल इस बार हमारे कमी हुई है क्योंकि तिल का हर एक खेत लगा रखा था। तो ये तिल हमारे ना बहुत सारा काम आता है, जैसे कि सब इस तिल का पूजा के काम भी आते हैं। और तिल हमारे जैसे कि खाने में, जैसे चीनी और मैं तो बहुत शौकीन था मीठे का, चीनी और तिल मिला के खाता, बहुत ही मज़ा आता खाने में। और उससे हमारे जो ये तिल है ये तेल के काम पे आते हैं, गांव वाले तेल लगाते हैं और पूजा के काम पे आते हैं, कई काम आते हैं। मतलब हमारे भट्ट हैं अभी हमने निकाले नहीं हैं, अभी तो बहुत है खेतों में, बहुत रह रखे अभी, ये तो कम ही ला रखे। अगर एक ही दिन निकालेंगे हम इसे, जब सारा खेत से निकल जाएगा तब हम इनको निकालेंगे, तो उसके बाद दिखाएंगे आपके पास। काम तो गांव में बहुत ही सारा है ना, अभी तो मंडवा तो हमने निकाल दिया है और उसके बाद घास कटिंग होगी, और घास के बाद कट जाएगा, फिर भी काफ़ी काम है गांव में भाई, क्या बताऊँ, काम करते करते थक गए। जाएंगे आज खेत में मरसा के लिए, मरसा काटेंगे हमारे खेत, इधर को हम मंडवा काटेंगे। ये होता है मंडवा, ये है मंडवा, ये वाला है मंडवा, ये वाला, और ये है मरसा चौलाई, इसको चौलाई बोलते हैं। रास्ते में घास इतना ज़्यादा लग रखा है, ये रास्ता मुझे बहुत कम दिख रहा है। और अब घास भी कटने वाला है, पहले तो पहले खेतों की फसल फसल निकालते हैं उसके बाद घास कटेगा। दोस्तों मैं अभी खेत में जा रहा हूँ, वैसे हमारे तिल भी ज़्यादा पक गए हैं, तो मैं अपने खेत में जा रहा हूँ अभी और आपको तिल दिखाएंगे कि तिल कैसे काटते हैं, कैसे खेत में पक गया होगा। और तो आज हम अपने तिल को कम्प्लीट करेंगे। और आज तिल कंप्लीट करूंगा और उसके बाद हम दाल निकालेंगे खेत में, तो आपको दिखाते हैं आज, चल मिलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं पहुंच गया अपने खेत पे और दिखाएंगे आपके पास, ये देखो ये दाल है। तिल तो इस बार मुझे लग रहा है कि ख़राब हो गए हैं,
तिल इस बार सारे पक गए खेत में, और इधर एक दाल की खेत लग रखी है, गेहूं की दाल है। कुछ टाइम बाद पकेगी, अभी तो हरी है दाल, बाद में पकेगी तो दिखाएंगे आपको। इसे बोलते हैं हम तोर, तो आपको पास जाके दिखाएं। यह है गाइस तोर, अभी तो कच्ची है फिलहाल, पकेगी अभी कुछ दिन बाद। यहाँ पर बचपन में हमने ये जो पोथली है यहाँ पर, इसको पकड़ने की प्रयास करूँगा मैं। देखो अरे वो उड़ गई है। जब गांव में पानी टूट जाता है तब हम यहाँ पानी के लिए यहाँ पर आते हैं, और हमारे गांव का पानी अच्छे लगा। जब गांव में पानी टूट जाता है तो यहाँ आते हैं घर। तो हम जा रहे हैं अभी अपने घर, और मेरे पे अभी तिल का बोझ है, पीछे में तिल है, मैं जा रहा हूँ घर।